हेलो दोस्त, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के बारे में, जहाँ पे अप्रेंटिसशिप के 4499 पद की नोटिफिकेशन आई हुई है। तो दोस्तों, इस पे हम चलिए बात करेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्या इसके नोटिफिकेशन में चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। डेट ऑफ जो इसका नोटिफिकेशन है वो 13/8/2020 को है और ये जो फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा वो 16/8/2020 को शुरू हो जाएगा और इसका क्लोजिंग डेट यहाँ पे दिया हुआ है 15 तारीख को, 15/9/2020 को। ठीक है, मतलब 1 महीना टाइम है अपने पास। ठीक है, और यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया हुआ है कुछ आगे कितना टोटल वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी है ये 4499। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। मेरिट पे होगा, इसमें कोई एग्ज़ाम एग्ज़ाम कुछ नहीं होगा। ठीक है, और मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट बनेगा 10th के मार्क्स प्लस ITI के मार्क्स। सपोज 10th में आपके 60% है और ITI में आपके 85% हैं, तो ये क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और इसी से आपकी मेरिट बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे ये बोल रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन परसेंटेज ITI मार्क्स एवरेज मार्क्स मेंशन इन द कंसीडर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर ऑल सेमेस्टर। बोल रहा है कि चारों सेमेस्टर का मार्क्स उसमें मतलब लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मेंशन होना चाहिए प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट में। ठीक है, और इन केस ऑफ फॉल्स रॉन्ग डिक्लेरेशन, अगर आपके मतलब उसमें मार्क्सशीट में अगर ये मार्क्स डिक्लेरेशन नहीं रहेगा तो आपको कैंडिडेचर को वो क्या करेगा, रद्द कर देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या कर देगा। ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ टू कैंडिडेट हैविंग सेम मार्क्स, अगर दो, आप लोग को तो पता ही है अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई भी कैंडिडेट किन्हीं दो कैंडिडेट का सेम मार्क्स होता है तो ज़्यादा मार्क्स नहीं सॉरी जिनका एज ज़्यादा होता है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। और ये बोल रहा है कि फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज। ये तो हमेशा से होते आ रहा है कि जो फाइनल मेरिट बनेगा वो यूनिट वाइज बनेगा, ट्रेड वाइज बनेगा और कम्युनिटी वाइज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये बोल रहा है कि शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट को कितना गुना बुलाएगा, 1.5 गुना बुलाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, कटिहार में कितना वैकेंसी है, तो कटिहार में है 970। नेक्स्ट है अलीपुरदूर में है 493। नेक्स्ट है रानीगिया में 435 है। और लुमडिंग ये वर्कशॉप है SNT का, यहाँ पे 1302 वैकेंसी है। टिनसुकिया में भी कितना है, तो 484 पोस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भी यहाँ पे है न्यू बोंगीगन में है, कितना है, 539 पोस्ट है। कितना है दोस्तों, 539 पोस्ट। नेक्स्ट है डिब्रूगढ़ कितना है, 276। तो टोटल मिला के हमारे फर्स्ट पोस्ट कितना है, 4499। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डिवीज़न दिया हुआ है कौन से डिवीज़न में कितना वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर, सब में यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए सारा डिवीज़न का ये वैकेंसी हमारा दिया हुआ है। और जो ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे भी बगल में दिया हुआ है, कितना दिन का रहेगा, तो 1 साल का रहेगा। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा जिनका जो ट्रेड है उसमें, यहाँ पे देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, हर डिवीज़न का यहाँ पे अपना अपना दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, आगे देखें चलिए एलिजिबिलिटी क्या है वो देखना पड़ता है, मतलब योग्यता। तो योग्यता हमारे क्या रहेगा, तो योग्यता 15 साल से लेकर, योग्यता क्या है, 15 साल से लेकर 24 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपर एज को रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का,
5 ईयर्स को किसको मिलेगा दोस्त? तो 5 ईयर्स को मिलेगा एसटीएससी को और 3 ईयर्स मिलेगा ओबीसी को, ठीक है। और जनरल को कोई एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये बोल रहा है फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटी अपर एज लिमिट एज इलेक्शन बाई 10 ईयर, जो मतलब विकलांग उकलांग है दोस्तों उसको मिलेगा कितना, 10 ईयर्स का ये मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट रिजर्वेशन फॉर एसटीएससी, जो भी कैंडिडेट एसटीएससी का रिजर्वेशन लेना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट से सेंट्रल से एक कास्ट सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिया एनेक्स्चर वन इधर टाइम ऑफ अपलाइन एप्लीकेशन, ये यहाँ पे मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखिए एनेक्स्चर टू में क्या क्या दिया हुआ है, ये ओबीसी इंक्लूड ब्लू, यहाँ पे ये इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट को क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट या मजिस्ट्रेट एडिशनल मजिस्ट्रेट, इसको यहाँ से क्या करना है, सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके फर्स्ट यहाँ पर एफिडेविट करा लेना है, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर से। नेक्स्ट देखते हैं एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया हुआ है कि लोगों को क्या क्या मतलब, ये एन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट सेलेक्टेड द अंडर रिजर्वेशन उन लोगों को रिजर्वेशन कैटेगरी में रखेगा, चाहे वो यूआर हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, उन लोगों के लिए अलग से वैकेंसी इसी में दिया हुआ, देखिएगा वहाँ पर टेबल पर। नेक्स्ट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 10th+ ITI है, ठीक है, क्या है, 10th+ ITI है। और ये सर्टिफिकेट कहाँ से होना चाहिए, NCVT या SCVT से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या, पेमेंट, पेमेंट ऑफ फी, तो पेमेंट ऑफ फी कितना है दोस्तों, तो पेमेंट ऑफ फी जो है वो 100 रुपीज़ है, वो ये किसके लिए है, सिर्फ ओबीसी और जनरल के लिए, यूआर के लिए, एसटी एससी के लिए नो फीस, कोई फीस नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी से भी पेमेंट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान देखिए लिखा हुआ, नो इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर ST ST PWD ओमेन कैंडिडेट, इन कैंडिडेट को कोई भी पैसा नहीं लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी डिजॉल्व वो कैन बी एंगेजमेंट, ये पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है दोस्त, तो सबसे पहले करना है 10th का मार्कशीट करना और 10th का पास सर्टिफिकेट, दो ठो करना है। और यहाँ पे सेकेंड में क्या करना है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट जो 10th में मार्कशीट होगा वो वाला करना है। और थर्ड में क्या करना है, आपको कंसिडर मार्कशीट ऑफ सेमेस्टर वाइज, ऑल सेमेस्टर, तो तीनों सेमेस्टर का चारों मतलब जितना सेमेस्टर होता है सेमेस्टर का जितना भी मतलब सब ऑल सेमेस्टर का ट्रेड विच अप्लाइड फॉर रीजनल नेशनल सर्टिफिकेट, मतलब चारों सेमेस्टर का या जिनका 2 वर्ष का 1 वर्ष का है उनका 2 सेमेस्टर का एक ही में मतलब दिया होगा, और मतलब ये क्या बोलते हैं उसको मार्कशीट, वो उसको अपलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेशनल स्लेट सर्टिफिकेट NCVT जो है, NCVT का जो सर्टिफिकेट है या SCVT का उसको अपलोड करना है। और नेक्स्ट है 5 नंबर में क्या बोलते हैं, ST SC OBC मेंशन पारा 8.5 का सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप ST हैं, SC हैं, OBC हैं तो अपने क्या करना है, का सर्टिफिकेट को क्या करना है, अपलोड करना है। और नेक्स्ट डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ PWD कैंडिडेट, तो PWD कैंडिडेट को क्या करना है, PWD कैंडिडेट को उसके वो सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट को क्या करना है, अपलोड करना है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सर्विसिंग सर्टिफिकेट, आप किसी में मतलब जॉब करते हैं या किसी में, तो वहाँ से NOC लेके NOC वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लास्ट डेट फॉर द रिसेप्ट ऑफ अप्लीकेशन, ऑनलाइन अगर लास्ट डेट में भी आप अथी करते हैं तो लेकिन टाइम से इसका हो जाना चाहिए, तभी ये एप्लीकेशन आपका वैलिड है या अदर नहीं है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड, देखिए दोस्तों स्टाइपेंड क्या है, जो रेलवे का जो रूल है, जो मतलब स्टाइपेंड इसका रेट है पर प्रोविजन वही मिलेगा, ठीक है। रेलवे में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ रहता है कि स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, तो एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग
मैं क्या दोस्तों, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द डिजिग्नेटेड ट्रेड द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज इंटर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विद द फॉलोइंग प्रोफेशनल। मतलब ये इसका एक एक्ट है, ठीक है। इसी एक्ट के थ्रू आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पे एक 1 ईयर का ये रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस दोस्तों ये क्या करेगा, सरकारी हॉस्पिटल से नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन एंड स्टेट हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल से दोस्तों जाके वहाँ पे आपको चेकअप करा लेना है, और नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंसिडर लीगल बी कैंसिल। अगर आप मतलब करके नहीं जाते, मेडिकल में फिट नहीं होते, तो आपको वहाँ पे नहीं रखेगा। नेक्स्ट है हेल्प डेस्क, यहाँ पे उसका ईमेल आईडी दिया हुआ, आप उससे करते हैं इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, और देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों बस यही था, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।